देखिए बारिश कभी भी आ सकता है, और देखिए यही पहाड़ी पर रहते हैं, और ये साइड में पूरा पहाड़ी पहाड़ी है। वीडियो बनाने में इधर ही जाता था, एक मतलब वीडियो उनका एकदम बढ़िया है, फिर भी इसका पेंटिंग है करवा रहे हैं, पैसा है ना इसलिए। हम गरीब हैं, हम लोग के पास कहाँ पैसा है। हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई एम रॉय जैक्सन, वेलकम टू रॉय जैक्सन ब्लॉग्स एंड गुड मॉर्निंग। तो भैया हम हो गए हैं एकदम रेडी काम के लिए, काम पे जाने के लिए, तो अभी घर पे ही हैं, सब कुछ रेडी हो गया। अभी लगता है बारिश आ जाएगा, जैसे ही निकलेंगे ना वैसे ही बारिश चालू होगा, डेली भीग जाते हैं। और ये देखिए कपड़ा कितनी, लगभग चार दिन हो गया सूखा नहीं है एक भी कपड़ा, भी वो साइड में है बाहर है पूरा कपड़ा कपड़ा ही, कपड़ा सूख नहीं रहा है, भीग भीग के जा रहे हैं, भीग भीग के आ रहे हैं। कपड़ा गंदा, कपड़ा गीला हो जाता है तो फिर पहनने में मज़ा नहीं आता, पहनने में पता नहीं कैसा अजीब सा होता है। तो अब बारिश से तो इतना दिमाग ख़राब हो गया है कि क्या बोले आप सबको। इधर देखो और दिखाते हैं हम बाहर का आपका, जिस मतलब हम पहाड़ी पे रहते हैं ना, तो पहाड़ी का सीन दिखाते हैं आपको। अभी तो इस सीज़न में एकदम हरा भरा हो जाता है, इतना प्यारा दिखता है ना कि क्या ही बताएं आप सबको। तो दिखाते हैं, देखिए बारिश कभी भी आ सकता है, और देखिए यही पहाड़ी पर रहते हैं, और ये साइड में पूरा पहाड़ी पहाड़ी है। वीडियो बनाने में इधर ही जाता था, एक मतलब वीडियो कुछ दिन बनाने वहाँ जाता था। अरे यार जाते जाते ना हालत ख़राब हो जाता था, बहुत लंबा चौड़ा है यार, और बहुत हाइट है, सब वीडियो में तो कम लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा हाइट है कि क्या बोले। और बाकी सब देखिए झोपड़ी है, तो ऐसे ही है। और देखिए बादल पूरा एकदम हो गया है काला पीला, कभी भी बारिश आ सकता है, मतलब बारिश होके भी बंद हो गया, अभी फिर वापस आएगा। पूरा दिन ऐसे ही लगा रहता है, पूरा दिन ऐसे ही लगा रहता है, वैसे ही बारिश होता है। अभी तो हम निकल रहे हैं, अभी तो देखते हैं भीगते हैं या क्या होता है, मतलब देखिए ना बादल कैसा हुआ है। तो बने रहिए ब्लॉग में, जाते फिर दिखाते हैं आगे का क्या सीन है। अभी तो बारिश बंद हुआ है, फट से निकल जाऊँ काम पे, बस उस पकड़ लो। तो बने रहिए ब्लॉग में, जाते फिर दिखाते हैं कि आगे का क्या सीन है। तो आ गया हूँ अभी बस स्टॉप पे, और अभी बस का करते हैं इंतज़ार। इधर देखिए सामने बस स्टॉप है, अभी एक बस तो सामने से ही गया, एक मिनट लेट हो गए ऑटो से आए, फिर भी तो करते हैं इंतज़ार, देखते हैं 15 मिनट रुकना पड़ेगा, दूसरे बस से जाएंगे। तो बंडे ब्लॉग में जाते फिर दिखाते हैं आगे क्या क्या सीन। तो उतर गए हूँ, अभी तो जा रहा हूँ साइड पे, यहाँ से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँच गए हैं, बस 2 मिनट बस से उतरे, तो मतलब लगभग 10 मिनट लगता है जाने में, तो 5 मिनट तो हो ही गया, क्योंकि उतरे उधर ट्रैफिक व्राफिक बहुत था, तो इसलिए उधर से कंटिन्यू नहीं किए बस। और देखिए मौसम इतना प्यारा हो गया कि क्या ही बोले, एकदम हरा भरा लग रहा है, बारिश में यहीं तो दिखता है। और ये देखिए उधर साइड में काम चालू है, बिल्डिंग बन रहा है, तो अभी जा रहे हैं काम वाम करेंगे इधर से, फिर निकलते टाइम फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो बन रही है कब लगूंगी, तो मैं हूँ और एक भाई और हैं, अभी वो तो शायद पहुँच गए हैं उधर, उनको उधर से नज़दीक होता है, मुझे थोड़ा दूर होता है, तो इसीलिए वो जल्दी पहुँच गए। वो तो आते हैं बहुत दूर से, बट वो जल्दी निकलते हैं, तो क्या है बोले। तो जा रहे हैं अभी, मिलते हैं, दिखाते हैं फिर काम पे कैसा है, सातवें महल पे हैं, दिखाते हैं फिर उधर, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो अभी फाइनली आ गए हैं काम पे, और यही रूम का काम करना है, और देखिए रूम कितना मस्त है, कंडीशन रूम का एकदम बढ़िया है, फिर भी इसका पेंटिंग है करवा रहे हैं, पैसा है ना इसलिए। हम लोग गरीब हैं, हम लोग के पास कहाँ पैसा है, तो जिसके पास पैसा है वो तो इन्वेस्ट तो मतलब इन्वेस्ट तो करेंगे, वैसे भी उनको ये सब पुराना लग रहा है, अभी करेंगे तो फिर दिखाएंगे वो कैसा होगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, फिर निकलेंगे फिर दिखाते हैं। और देखिए अभी हम कहाँ हैं, तो हे मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम निकलने वाले हैं काम से, मैं हूँ और ये रुबेल भाई है,
आज देखिए रूम का कलर पहला ब्लू था ना, ब्लू मतलब ग्रे ब्लू में था, स्काई ब्लू वाला ग्रे। तो अभी हम इधर से निकल रहे हैं और मौसम तो सही नहीं लग रहा है, देखिए बारिश कभी भी आ सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है यहाँ से बस स्टॉप पे जाते हैं या जल्दी से ऑटो ऑटो पकड़ के निकलते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, कंटिन्यू जाते फिर दिखाते हैं आगे का क्या सीन है। और वो भाई इंतज़ार कर रहे हैं, एक भाई बाहर है, तो बने रहिए। तो निकल गए हैं, अभी मौसम तो ऐसा हुआ है कभी भी बूंद बूंद मतलब ऐसा एक एक ड्रॉप अभी गिर रहा है, तो अभी कभी भी बारिश हो सकता है, हम लोग कभी भी भीग सकते हैं। मौसम देखिए कभी भी बारिश हो सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि हम लोग शायद बस स्टॉप पे पहुंच जाए। और ये देखो उमेश भाई साथ में हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। इनके पास तो छतरी है, मैं तो लेकर चलता नहीं वैसे भी, क्या करूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, जाते फिर देखते हैं वीडियो को कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आ गया हूँ मैं घर पे। मैं बोला था ना आप सबको कि घर पे जाते 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 बारिश चालू हो जाएगा, तो बारिश हो गया चालू। ऐसा लग रहा है कि बच्चा हूँ या भीगा, देखो पैंट वेंट पूरा भीगा है पूरा भीग गया। और रास्ते में हासिम भाई भी मिल गए थे, थोड़ा काम था तो इसीलिए लेट हो गया, नहीं तो अब तक आ गया होता कब का, मतलब 7:30 बज के जा रहे हैं। और इतना ज़ोर से बारिश आया ना अचानक में, क्योंकि बादल दिखाए थे ना आपको, तो इसीलिए तो बचते लेकिन भीग ही जाता हो। तो आ गया हूँ अभी घर पे, अभी तो सब कुछ करना है, खाना वाना बनाना है, शायद सुबह का खाना कुछ बचा है, और अभी बर्तन वर्तन सब वैसे ही है। तो अभी सब भैया वैया सब भी आएंगे, बड़े भैया, उसके बाद मेरे छोटे वाले भैया, फिर सुनील, फिर अंगद, मतलब 4-5 जन रहते हैं ना, सब एक साथ रहते हैं। तो अभी आएंगे तब खाना पीना बनेगा, फिर खाएंगे, वीडियो एडिट करेंगे, फिर उसके बाद सोएंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो, पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।